हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सो मैं बहुत ही टाइम के बाद एक ट्यूटोरियल लेकर आई हूँ आपके लिए आई नो गाइस मैं ट्यूटोरियल डालना बंद कर चुकी थी बिकॉज बहुत सारे ऐसे रीजंस हो गए थे और टाइम भी नहीं मिल रहा था सो so, फाइनली अब मैं ट्यूटोरियल डालना शुरू कर चुकी हूँ और ये जो टुटोरियल है आई होप सो कि आपको बहुत अच्छा लगने वाला है एंड गायज थैंक यू सो मच फाइनली हम वन के सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं गाइज़ जल्दी जल्दी से फॉलो कीजिए कमेंट कीजिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को वी हैव टू सेलिब्रेट टू ड्रेड के so, सो सबसे पहले मैंने अपनी जो मॉडल है उनकी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज़ किया है और लिप्स को भी आपको मॉइस्चराइज़ करना है उसको आप बिल्कुल नहीं भूल सकते हैं बिकॉज अगर लिप्स चैप्ड हों उसके ऊपर आप अगर लिपस्टिक लगा देंगे स्पेशली लिक्विड वाली तो बहुत ही बेकार लगती है फिर अब मैंने यूज़ किया एक प्राइमर प्राइमर जो आप यूज़ कर सकते हैं ऑयली स्किन में वो है आप एस ऑफ बेस यूज़ कर सकते हैं रिकॉर्ड का स्मैश बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं आप ब्रॉश का यूज़ कर सकते हैं बहुत सारे प्राइमर्स आ गए हैं गए मार्केट में सो so, मैंने स्मैश बॉक्स का प्राइमर अभी यूज़ किया है और इसको अच्छे से मैं लगा रही हूँ आप देख सकते हैं बहुत ही प्यार से हम इसको लगाएंगे और इसके बाद आप देख सकते हैं मेरी जो मॉडल है उसकी जो स्किन है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ ही है उनकी ज़्यादा डार्क सर्कल्स भी नहीं है तो ऑरेंज भी आप स्किप कर सकते हैं लेकिन मैंने स्टिल एक सेफ साइड ले कर लगा ही दिया अराउंड द माउथ और थोड़ा सा फोरहेड में अंडर आइज़ में मैंने डार्क कंसीलर यूज़ किया है आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं बहुत सारे मार्केट में आ चुके हैं ब्रांड्स और अराउंड द माउथ मैंने थोड़ा सा पहले ऑरेंज यूज़ किया बिकॉज रिस्क नहीं लेना था अराउंड द माउथ और फॉरहेड में मैंने थोड़ा सा ऑरेंज मिक्स यूज किया है उसको अच्छे से ब्लेंड किया है सो so गाइस आप देख देख सकते हैं कि क्वांटिटी कितनी कम यूज़ की है मैंने इसको अच्छे से किया और उसके ऊपर मैं डार्क कंसीलर यूज़ कर रही हूँ ऑरेंज को छुपाने के लिए और उसको अच्छे से हम लोग ब्लेंड कर देंगे आप देख सकते हैं कितने अच्छे से स्किन टोन बिल्कुल ब्लेंड हो चुका है ऐसा लग रहा है कि ये उनकी स्किन का ही कलर है आप देख सकते हैं जो फोरहेड में और जो अराउंड द माउथ एरिया में जो मैंने कंसीलर यूज़ किया वो ऑलमोस्ट उनकी स्किन का ही टोन है अंडर आइज़ में मैंने थोड़ा सा डार्क शेड यूज़ किया है बट आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं ठीक है इसको अच्छे से हम लोगों ने ब्लेंड किया है और ब्लेंड करने के बाद मैं फ़ाउंडेशन यूज़ करूँगी और फाउंडेशन जो मैं आज यूज़ कर रही हूँ वो मेरा फेवरेट फाउंडेशन है नार्स सो नार्स का हमने फाउंडेशन जो यूज़ किया है वो दो शेड मिक्स किए हमने फी जी एंड पंजाब और इसको अच्छे से मैंने बफिंग ब्रश से लगा दिया है बिकॉज आई डोंट वॉन्ट यू ज़्यादा क्वान्टिटी हो इसको अच्छे से बफिंग ब्रश से लगाया और इसके बाद मैं इसको ब्लेंडर की हेल्प से ही ब्लेंड कर दूंगी और गाइस यू कैन सी कितना ज़्यादा अभी जो स्किन है वो कितनी ग्लो कर रही है कितना हाइड्रेटेड लग रही है अगर आप फाउंडेशन लगाने के बाद भी आपका स्किन में ये ग्लो आ रहा है इसका मतलब है कि आपका जो तरीका है जो आपका टेक्निक है वो बिल्कुल सही है आप बिल्कुल सही रास्ते में जा रहे हो इसको अच्छे से हम लोग ब्लेंडर से ब्लेंड कर देंगे और उसके बाद मैं यूज़ करूँगी कंसीलर जो मैं अंदर अंडर आइज में यूज़ करूँगी पहले थोड़ा सा लाइट यूज़ करेंगे और उसके बाद थोड़ा और लाइट आप ले सकते हो क्योंकि मुझे लगा था कि मैं थोड़ा अंडर आइज़ को और ब्राइट करना चाहती हूँ इसलिए मैंने थोड़ा सा और लाइट कंसीलर यूज़ किया है बाद में सो अभी जो यूज़ कर रही हूँ वो है टू टूथेस्ट का टू फेस का हम अच्छे से लगाएंगे ज़्यादा क्वांटिटी भी नहीं लगानी है गाइस आपको हाथों में कंट्रोल रखना है कितना लगाना है कितना नहीं लगाना है देखिए ये चीज़ मैं आपको अभी नहीं बता सकती हूँ ये सब चीज़ें आप एक ऑफलाइन क्लास जॉइन करेंगे तभी आपको पता चलेगा एंड टू बी ऑनेस्ट यर्स ऑफ प्रैक्टिस से आपको पता चलता है कि कितना लगाना है कितना नहीं लगाना एंड गाइज आप बहुत लोगों में से ऐसे लोग होंगे जो बोलेंगे कि जो स्किन है जो कलर मैंने यूज़ किया है वो बहुत ही लाइट है येस yes, गाइज मैंने लाइट किया है बिकॉज मुझे थोड़ा सा फेयर लुक दे रहा था अपनी मॉडल को एंड टू बी ऑनेस्ट इनकी जो स्किन थी उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा टाइम थी लेकिन उनका जो फेस था ना वो फेयर था तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं इनकी बॉडी के कलर लाने में उनका फ़ेस को यू नो डार्क कर दूँ तो मैंने सोचा कि मैं लाइट रखूँगी फेस लेकिन बाद में आप देखना गाय वो इतने अच्छे से मैं ब्लेंड करूँगी कंट्रोल करके और यू नो नेक में अच्छे से फाउंडेशन लगा के आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि मैंने गोरा भी किया है सो so, आप देख सकते हैं मैंने कंसीलर लगा दिया है और इसको अच्छे से हम लगाएंगे ब्लेंड करेंगे थोड़ा सा और लाइट शेड कंसीलर यूज़ किया है मैंने और उसको भी ब्लेंड किया है और साथ ही साथ में हम कंट्रोल भी करेंगे गायस क्योंकि कंट्रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेरी जो मॉडल है थोड़ी सी चबी है स्किन एरिया सॉरी चीक एरिया से बट इट्स अ वेरी क्यूट थिंग मुझे बहुत पसंद है चबी मॉडल्स एंड Uh, होना भी चाहिए राइट सो so, मैं थोड़ा सा कंट्रोल करूँगी जहाँ पे मुझे जरूरत लगेगी और उसको ब्लेंड कर देंगे एंड देन हम लगाएंगे मेरा फेवरेट पार्ट वो है ब्लश ब्लश मैंने अभी जो यूज़ किया है वो है फोरेवा फिफ्टी टू का और उसको भी हम अच्छे से ब्लेंड कर देंगे विद द दे हेल्प ऑफ अ ब्लेंडर सो so, पाउडर सेट किया है इसके बाद मैंने ब्लश को ब्लेंड करने के बाद अच्छे से पाउडर सेट किया है पूरे फेस को और उसके बाद हमने आई मेकअप अच्छा करना शुरू किया है आई मेकअप अच्छा के लिए सबसे पहले कंसीलर लगाया है जो कि हमने लगाना ही है गायस एंड उसके बाद मैंने एक पिंक और पीची सा शेड लिया है और उसको अच्छे से ब्लेंड कर दिया गायस ओके और इसके बाद हमने एक प्यारा सा हाईलाइटर सा शेड लिया है और मैंने ब्रो बोन में उसको लगा दिया है ताकि जो आईज हैं वो थोड़ी बड़ी लगे और थोड़ी हाईलाइट करें क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद है कि वो हाईलाइटेड दिखे वीडियोज़ में सो so, इसको हम अच्छे से हाईलाइट करेंगे उसके बाद जो मेरा फेवरेट पार्ट है वो मैंने यूज़ किया है ब्लू कलर का एक काजल पेंसिल जो मैंने आ, लाइनर की तरह यूज़ किया है आप देख सकते हैं कितना प्यारा है और ड्रेस से बिल्कुल अच्छे से मैच कर रहा है सो so, इसको अच्छे से हम लोग पहले लगाएंगे और उसके बाद मुझे ग्लिटर लगाना था तो ग्लिटर लगाने से पहले हमें शिमर लगाना बहुत ज़रूरी है तो so, मैंने एक लाइट कलर का शिमर लगाया और उसको कटक्री एरिया में जहाँ पर हमारा आ, कट क्रीज बनता है उस एरिया में लगा दिया क्योंकि उसके ऊपर हम लोग ग्लिटर्स लगाने वाले हैं अब है ग्लिटर लगाने की बारी सो पहले मैंने ग्लिटर ग्लू लगाया है अपने फिंगर्स से और अपने फिंगर्स की हेल्प से ही मैंने ग्लिटर्स भी लगाए हैं आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा शैम्पेन एंड ब्लूश सा मैंने ग्लिटर लिया है और उसको अच्छे से मैं लगा रही हूँ अपने आईलेट्स में दोनों आइज़ में लगाएंगे और उसके बाद हम नीचे का लाइनर कंप्लीट करेंगे नाउ यू कैन सी कि uh, मैंने एक ब्लू कलर का आई शेडो लिया है और उसको मैंने अच्छे से एंगुलर ब्रश की हेल्प से एक विंग इफ़ेक्ट दे रही हूँ अपने ब्लू काजल के ऊपर ताकि जो मेरा ब्लू लाइनर है वो भी इंटेंसीफाई हो जाए और बहुत ही प्यारा सा यू नो तड़कता भड़कता सा लाइनर भी बन जाए ब्लू कलर का सो so गायज अगर आपको लगता है कि आपको एक ब्लू लिक्विड लाइनर की नीड है तो नो no गाय अगर वो नहीं भी है तो आप स्टिल एक ब्लू काजल और एक ब्लू आई से अपना लाइनर क्रिएट कर सकते हैं उसके बाद हम करेंगे कॉर्नर को हाईलाइट और आईब्रोज उनके ऑलरेडी बहुत ही अच्छे थे बट ऑब्वियसली हमने शेप तो करने ही हैं सो so, एक अच्छा सा आईब्रो पाउडर लेना है और उसको अच्छे से शेप कर देना है आपने जैसे आप देख सकते हैं इस वीडियो में और उसके बाद हम अंडर आईज़ में थोड़ी सी स्मजिंग करेंगे विद द हेल्प ऑफ आई शेडो बहुत लाइट सा ही आई शेडो पाउडर मैंने लिया है जो ऊपर मैंने लिया था और उसके बाद लाशेज़ हमने अटैच कर दी थी और अब टाइम है हमारा हाई लगाने का यू कैन सी द ग्लो ऑन द स्किन उनकी स्किन वैसे ऑलरेडी काफ़ी फ्लॉलेस थी लेकिन ऑब्वियसली जो ग्लो आप देख रहे हैं वो भी कितना ज़्यादा मैजिक कर रहा है इस एंड अगर आपको जानना है कि मैंने कौन सा हाई यूज़ किया है देन टू कमेंट बिलो जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे गाइस मैं अगली वीडियो में प्रोडक्ट्स रिवील करूँगी इसके बाद मैंने ब्लश लगाया है पाउडर ब्लश और अब हम लगा रहे हैं मस्कारा मस्कारा को अच्छे से हम लोगों ने लगाना है ऊपर भी लगाना है और नीचे वाली लाश में भी लगाना है नीचे वाली लाशों में आपको बहुत ध्यान से लगाना है कि वो टच ना हो जाए क्योंकि अगर गलती से टच हो जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा डार्क लग जाता है और उसको हटाना मुश्किल होता है नाउ टाइम फॉर सम लिप लाइनर लिप लाइनर हम लोग लगाएंगे मैं थोड़ा सा डार्क लिप लाइनर लगा रही हूँ उसके बाद मैं एक न्यूट सा लिप शेड दूंगी अपनी ब्राइड को आप देख सकते हैं जो लिप लाइनर है वो काफ़ी न्यूट लिया है मैंने क्योंकि आइज़ हमारी हैवी थी इफ़ यू वॉन्ट टू नो कि मैंने कौन से शेड यूज़ किए हैं देन जल्दी से कमेंट कीजिए और मैं आपको और जल्दी जल्दी से सारे प्रोडक्ट्स रिवील करूँगी सो गाइज़ फाइनली माई लुक इज़ कम्प्लीट आप देख सकते हैं ये था हमारा लुक और बहुत ही ज़्यादा प्यारा लुक था सो डू कमेंट डू सब्सक्राइब बाय